हरिओम 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 नारायण नारायण। आपकी तपस्या को मैंने तीन बार झुक झुक के प्रणाम किया, आपकी तपस्या को साधना को भगवान के। वैसे तो बारिश सब लोग सहते रहते हैं, लेकिन भगवान के कथा के लिए, संत के दर्शन सत्संग के लिए आज की बारिश ये पानी रंग लाएगा। ये बारिश की तपस्या रंग लाएगी, बिल्कुल पक्की बात है। घुमा दे कैमरा, 167 देश देखेंगे कि ये पटना बिहार का मैदान प्यारों से कैसा खचाखच है, और बरसात झेल रहे हैं। सुबह से रात से बरसात पड़ रही है। प्रभु के दीवानों को लौटाया नहीं जाता, कदम रखते आगे तो फिर बहकाया नहीं जाता। हरि ओम ओम हरि ओम 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 शक्ति भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम नारायण नारायण नारायण। एक तो तीन बातें हम समझ लें, स्वीकार कर लें, और दूसरा दो रीति का साधन सीख लें। तीन बातें स्वीकार कर लें, दो बातों साधन सीख लें। तीन बातें कौन सी स्वीकार करना है कि भगवान सत्रूप है और चेतन रूप है, आनंद रूप है। सत्य कभी मरता नहीं है। एक होता है सत्य, दूसरा होता है मिथ्या, और तीसरा होता है असत्य। असत्य उसे कहते हैं जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। जैसे खरगोश के सिंग, मनुष्य के सिंग ले आओ तो दुकानदार ऐसा नहीं बोलेगा कि माल आएगा अथवा खत्म हो गया है। तो असत जिसको तीनों कालों में जिसकी सत्ता का अस्तित्व नहीं, उसको असत बोलते हैं। सत उसे बोलते हैं जो सदा रहता है, आदि सत, जुगात सत, है भी सत, नानक हो से भी सत। सृष्टि के पहले था, अभी है, बाद में रहेगा।
तो आत्मा परमात्मा सत्य है। तीसरा होता है मिथ्या, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में ठीक से ठीक दिखता है। ये गजरा 8 दिन पहले नहीं था, 8 दिन के बाद ऐसा नहीं रह सकता है। ये शरीर 75 साल पहले नहीं था, 5-25 साल के बाद नहीं रहेगा कैसे भी। तो मिथ्या उसे बोलते जो बीच में दिखे, असत उसे बोलते जो तीनों काल में नहीं हो, और सत उसे बोलते हैं जो तीनों काल में जिसकी सत्ता है। तो तुम्हारी सत्ता तीनों काल में है, शरीर की सत्ता मध्यकालीन है, पहले शरीर नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बचपन चला गया कौन से दिन गया पता नहीं, जवानी कौन से दिन चली गई पता नहीं, लेकिन बचपन को जवानी को जानने वाले तुम सत हो, जवानी मिथ्या है। बचपन और बचपन का दुख मिथ्या है, बचपन और जवानी का दुख सुख मिथ्या है, लेकिन बचपन और जवानी को जानने वाला तुम्हारा आत्मा तुम सत हो। जो सत होता है वो चेतन भी होता है, बिना सत के दुख का दर्शन नहीं होगा, बिना सत के सुख का दर्शन नहीं होगा। तो सुख सत नहीं है, दुख भी सत नहीं है, उसको जानने वाले तुम सत हो। कितने ही दुख आ गए जीवन में, कितने ही सुख आ गए, कुछ तो याद है कुछ याद भी नहीं है, लेकिन तुम जो कहते हो, दुख तो आया था याद नहीं है, लेकिन सुख भी कई याद नहीं, लेकिन तुम बोलोगे क्या मैं हूं कि नहीं याद नहीं, मैं तो हूं। तो जो सत है वो सदा रहता है। तो आप अपने को मिथ्या शरीर न माने। जो निगुरे लोग हैं, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, सतगुरु की विशेष कृपा नहीं है, वे लोग क्या करते हैं कि शरीर बीमार होता है समझते मैं बीमार हूं, मन में दुख आता है तो समझते मैं दुखी हूं। अरे भाई वो आया है, पहले नहीं था, आया है तो मिथ्या है, बीमारी आई है तो मिथ्या है, उसका उपाय भगाने का करो, लेकिन मैं दुखी हूं मैं बीमार हूं ऐसा मानने से उसको गहरा निवास मिल जाता है। अब ये आज से पक्का कर लो, बीमारी है आए उसको मिटाएंगे, लेकिन मैं बीमार हूं ये मिथ्या बीमारी को मैं सत में नहीं डालेंगे। मैं सत है, जो दिखता है वो मिथ्या है, जो देखता है वो सत है। तो आत्मा सत है, दुख मिथ्या है, आत्मा सत है, सुख मिथ्या है, आत्मा सत है, बचपन मिथ्या है, आत्मा सत है, जवानी मिथ्या है, आत्मा सत है, शादी विवाह मिथ्या है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो आत्मा माना वो मैं है, तो आप सत हैं, आपकी कभी मौत नहीं हो सकती, भगवान भी आपको नहीं मार सकते, और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, अवतार लेकर आए शरीर तो उन्होंने भी नहीं रखा। तो सत को कोई मार नहीं सकता, सत मिट नहीं सकता, सत में दुख भी नहीं है, सत दुख को जानता है, सत बीमारी को जानता है। तो अब ये मान लो कि मैं आत्मा हूं, सत हूं, चेतन हूं, मेरी सत्ता से हाथ उठता है, मेरे संकल्प से आंख की पलकें खुलती है, जीभ चखती है, कान सुनते हैं, मन सोचता है, ये सब हो के बदल जाता है, लेकिन मैं नहीं बदलता, मैं सत हूं, आत्मा हूं, आत्मा परमात्मा का अंग है, जैसे तरंग पानी का अंग है, घड़े का आकाश महाकाश का अंग है, ऐसे ही आत्मा सत है, चित है, आनंद है, परमात्मा का अविभाज्य अंग है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो कैसे भगवान है कि भगवान सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। तो आपका भगवान के साथ ऐसा संबंध है
जैसे तरंग का पानी के साथ, जैसे घड़े का आकाश महाकाश से मिला है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का शाश्वत आपका संबंध है। तो ये वेद की बात किसी व्यक्ति की नहीं है, ये वेद की बात है। और भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये मेरे वंशज हैं जीव और सनातन है। सनातन मतलब अमिट है, अमर है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, आंख देखने के तरफ खींचती है, जीभ चखने के तरफ, नाक सूंघने के तरफ, त्वचा स्पर्श के तरफ, कान सुनने के तरफ, ये पांच इंद्रियां और छठा मन ये जीव को आकर्षित करता है माया में। लेकिन दौड़ धूप के आखिर रात को थक जाता है, मुझी में आता है। तो आप रोज भगवान के निकट जाते हो लेकिन पता नहीं है, तो अंधकारमय नींद में चले जाते हो। अब क्या करना है? अब भगवान का एड्रेस पा लेना है। एक तो भगवान का ज्ञान पा ले, दूसरा भगवान का प्रेम पा ले। तो भगवान का ज्ञान क्या है कि भगवान है सतरूप, चेतन रूप, आनंद रूप, जो कभी मरते नहीं, कभी हमसे बिछड़ते नहीं और हमसे बेवफाई नहीं करते। हम लाख लाख गलतियां करें तो भी हमारा अमंगल नहीं चाहते, वो है अंतरात्मा परमात्मा भगवान। भगवान चार शब्द है ना, ब जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, व जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, न ये सब मिट जाए फिर भी हमारा उनका संबंध नहीं मिटता, उसका नाम है भगवान। न दूरे न दुर्लभ, वह दूर भी नहीं दुर्लभ नहीं। पति हमसे दूर है, पत्नी हमसे दूर है, हमारा हाथ हमसे दूर है, हमारा पैर हमसे दूर है, हमारी जीभ हमसे दूर है, लेकिन हमारा सच्चिदानंद प्रभु आप हमसे दूर नहीं हो, आप हमारे हो ना।